फर्स्ट क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ पावलोव। पावलोव का पूरा नाम की ही इवान पावलोव, पेट्रोविच पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, युकिब इवान पेट्रोविच पावलोव। इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सबनों शायद पता ही होएगा, इवान पेट्रोविच पावलोव राइट आंसर। इवान पावलोव वाज बेसिकली, इवान पावलोव मूल रूप विच डैश सी, साइकोलॉजिस्ट सी, मनोविज्ञानी, लर्निंग थ्योरिस्ट सी, सीखने के सिद्धांतकार सी, फिजियोलॉजिस्ट सी, शरीरक विज्ञानी सी, जां एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट सी, विद्यक मनोविज्ञानी सी। राइट आंसर है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिस्ट राइट आंसर दे दिता जाता है बाद विच साइकोलॉजिस्ट बनिया है, पहला हाँ लर्निंग थ्योरी भी उन्हें दिती है, लेकिन वो शुरुआती उसका लंबा सफर जो है एज ए फिजियोलॉजिस्ट शरीर विज्ञानी के तौर पर रहा है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान पावलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री, केड़ी कंट्री नाल इवान पावलोव संबंध रख सकते, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनेडा, इन्हों कोई नहीं, इन्हों कोई नहीं, क्योंकि पावलोव रूस या रशिया नाल संबंध रखते। नेक्स्ट है, इनिशियल फोकस ऑफ इवान पावलोव वाज टू स्टडी डैश, इवान पावलोव की शुरुआती फोकस डैश का अध्ययन करना सी, लर्निंग प्रोसैस का, सीखने की प्रक्रिया का, स्टिमुलस रिस्पोंस बॉन्ड का, उत्तेजक जवाब बॉन्ड का, एनिमल बिहेवियर जिमें डॉग ते कीता, जानवर का व्यवहार, प्रोसैस ऑफ डाइजेशन पाचन की प्रक्रिया। इंट्रोडक्शन टू पावलोव विच मैं दस्या सी कि पावलोव इदां लिखना है, है ना, ते इहदा ही पाचन बना लेना है। सो पाचन की प्रक्रिया, पाचन डाइजेशन ते पहला फोकस, लंबा सफर उन्होंने रिसर्च का इसे ते कीता। नेक्स्ट है, एज अ साइकोलॉजिस्ट, जे ना पता लगे पंजाबी विच पढ़ लेना है, एक मनोविज्ञानी जां शरीरक विज्ञानी पावलोव दे रूप विच ध्यान केंद्रित कीता। इंग्लिश विच पढ़ लेने हाँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट पावलोव फोकस्ड ऑन, देखो दोनों पा दते हैं, मनोविज्ञानी के तौर पर भी शरीरक विज्ञानी के तौर पर भी पावलोव ने किस से ज़्यादा जोर दिता कि सलाइवेशन से, रिफ्लैक्स से, डॉग बिहेवियर से, लार्ज इंटस्टाइन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसैप्ट जिस नाल बाकी थ्यूरिस्ट ते पावलोव विच फर्क पैंदा है वो है रिफ्लैक्स। सलाइवेशन इत्थे दिता है, सलाइवेशन भी रिफ्लैक्स की एग्जाम्पल है, लार्ज इंटस्टाइन तो सलाइवेशन की जिहड़ी पैदा हुंदी सी, सलाइवेशन का पैदा होना उस नाल संबंध रखता है। नैक्सट क्वेश्चन है, पावलोव डिड एक्सपैरिमेंट्स ऑन, पावलोव ने डैश उत्ते प्रयोग किए, सानू पता है कुत्तियां ते कीते, लेकिन इस विच सैंपल साइज पूछा गया है, एक डॉग दे कीता, एक ते कदे भी फंडामेंटल थ्यूरी नहीं बनती, पिजन ने सॉरी स्किनर ने एक पिजन ते नहीं किया, है ना, अनेकों पिजन रखे हुए सन उन्होंने, इस तरह एक डॉग ते नहीं किया, क्योंकि एक डॉग दियाँ फाइंडिंग्स नू दूसरे डॉग ते फिर एक्सपैरिमेंट करके, क्योंकि एक डॉग ते जदों एक्सपैरिमेंट किया जाता है फिर दूसरे डॉग ते सेम एक्सपैरिमेंट नू रिपीट किया जाता है, रिपीट करके देखा जाता है कि जिहड़ियां फाइंडिंग्स जां नतीजे निकले ने कि वह सेम निकल रहे हैं, फिर वो जिहड़े नतीजे निकलते हैं तीजे डॉग ते फिर करके, रेपीटेशन क्यों की जाती है, क्योंकि जिहड़े नतीजे ने उन्होंने वेरीफाई करना होंदा है। सो इस तरह मोर दैन 40 डॉग्स ते पावलोव ने निरंतर प्रयोग किए सन, सैंपल साइज जो पूछा जाए 40 तो वध सी। नैक्सट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये सीरीज चल रही है जिहड़ी, हर सीरीज़ दे नाल इस तरह MCQ दा सैट होएगा, इस सीरीज़ चो जिस भी तुहाडा इंट्रस्ट है तुसी देख सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कन्फ्यूजन सिर्फ एक जन नाल पैदा की जा सकती है, वह है वाटसन। हाँ गुथरी भी बिहेवियरिस्ट सी, लेकिन पावलोव ने पहला रिसर्च की है, क्लासिकल कंडीशनिंग दिती है 1913 विच जाके वाटसन ने, वाटसन का याद रखना है, ए डबल्यू बनाया, ए डबल्यू नू एदा कर दिता, बन गया अगे लिख दो 1913 वाटसन ने, क्योंकि अलग तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने राइट आंसर है फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव, वाटसन ने 1913 क्लासिकल कंडीशनिंग का अल्बर्ट ते
ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਲੋਵ ਡਿਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਈਅਰ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1897। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪਾਵਲੋਵ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਾਵਲੋਵ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਉੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8-10 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਕਦੋਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾਈ ਇਵਾਨ ਪਾਵਲੋਵ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਟੌਪ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਇਵਾਨ ਪਾਵਲੋਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੋਂਸ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਪਾਵਲੋਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਲੋਵ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਨ ਅਪਰੋਚ ਦੈਟ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਹਿਊਮਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡੌਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਈਵੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਵਾਨ ਪਾਵਲੋਵ ਰਿਸੀਵ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਈਅਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਈਅਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੀ ਫੋਰ ਪਾਵਲੋਵ, ਪੀ ਫੋਰ ਉਹਦਾ ਹੀ 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ, ਪਾਵਲੋਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਵਲੋਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਲੋਵ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਵਲੋਵ, ਇਹਦਾ 4 ਬਣਾ ਲਿਆ। 1904 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਵਲੋਵ ਵਿਨ ਦ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਔਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਲਾਈਵਰੀ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨਿਊ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਜੀ ਫੋਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ, ਪਾਵਲੋਵ ਵਿਨ ਦ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਰਿਸਰਚ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਦ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡ, ਦ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡ, ਸੋਰੀ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਚਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਚਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ।
साइकोलॉजी इतने गलत हो गया, डिवेलपमेंट ऑफ न्यू कंसैप्ट ऑफ कंडीशन रिफ्लैक्स हाँ वो फादर ने पर इसते उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं मिलिया, डिवेलपिंग न्यू अप्रोच टू स्टडी एनिमल बिहेवियर ये भी नहीं, सो डाइजेशन फिजियोलॉजी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स राइट आंसर लभन का हिंट है नोबेल प्राइज नाल जो क्वेश्चन आए तो। नैक्सट है पावलोव इनवेंटेड, पावलोव ने डैश की खोज की, हाँ मेरे ख्याल तुहाडे लई ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन नहीं है, पर इत्थे दसदा क्रॉनिक मैथड डिवेलप जो फिजियोलॉजी विच सर्जरी विच कीता पावलोव ने कीता सी। नैक्सट क्वेश्चन है हाँ पर साइंटिफिक मैथड बड़ी रिजिडली लैबोरेटरी मैथड साइंटिफिक मैथड इन्होंने बहुत रिजिडली अप्लाई किया, एक्सपैरिमेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन ने सब कुछ किया, लेकिन नवा मैथड क्रॉनिक मैथड इन्होंने बनाया। नैक्सट क्वेश्चन है रिसर्च वर्क ऑफ पावलोव वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर द टर्म साइकिक सीक्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विच्चों है, इट्स ओरिजिनल मीनिंग अकॉर्डिंग टू पावलोव शुड हैड बैटर ट्रांसलेटेड एज, क्वेश्चन की पूछा गया है पावलोव दे खोज दे कार्य दा अंग्रेजी विच अनुवाद किया गया, अगे चल के जां टाइम लाइन विच दसांगा कि अनुवाद कदों होया, कदों थ्यूरी आई, कदों अनुवाद होया और कदों फस्ट पब्लीकेशन उन्हां दी हुई। पावलोव दी खोज दे पावलोव दे खोज कारज दे अंग्रेजी विच अनुवाद किया गया सी, पावलोव दे अनुसार साइकिक सीक्रेशन, साइकिक सीक्रेशन शब्द दे लई इसका असल अर्थ डैश दे रूप विच बेहतर अनुवाद किया जाना चाहिए सी, मतलब की है कि साइकिक सीक्रेशन नू पावलोव ने किहड़ा जदों अनुवाद होया वह सहमत नहीं सन, लेकिन वो इन्हां चो केड़ा शब्द चुनदे सी पावलोव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनड रिफ्लैक्स नो, कंडीशनल ए एल, सिर्फ इन्ना याद रखना है इस राइट आंसर है, साइकिक रिफ्लैक्स नहीं उन्हां दा नहीं है, फिजियोलॉजिकल रिफ्लैक्स नहीं। कित्थे गया आ गया पावलोव्स इनिशियल वर्क ऑन डॉग एक्सपेरिमेंट 1897 वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डैश द बुक मेड पावलोव इंटरनेशनल रेपूटेशन, इसलिए दसिया गया है कि केड़ी बुक ने उसनु इंटरनेशनली अपवर्ड लै गए से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई सी, कुत्तियां दे प्रयोग ते 1997 पावलोव दे शुरुआती काम दा अंग्रेजी विच अनुवाद डैश द्वारा किया गया सी, किताब जिस किताब ने पावलोव की अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि बनाई सी, ए वाल्टर 1998 इन्होंने वाल्टर ने जर्मन विच ट्रांसलेशन की सी 1898 विच, 1897 तो बाद एकदम ट्रांसलेशन जर्मन विच हुई सी, ए वाल्टर रोंग रिस्पोंस है, डबल्यू एच थॉमसन ने की थी सी 1902 विच इंग्लिश विच, राइट आंसर सी है। 1904 विच नोबेल प्राइज मिलिया सी। अकॉर्डिंग टू पावलोव विच टर्म इज करैक्ट टू एक्सप्लेन हिज क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव के अनुसार उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए शब्द सही है, पंजाबी विच इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि सेम शब्द इधर लिखे हुए हैं, कंडीशन रिफ्लैक्स कंडीशनल रिफ्लैक्स एक तरह ना रिपीट हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसनों इन्हें याद रखना है। पावलोव ने रशियन लैंग्वेज चो जो जी टर्म का उलथा किया गया से ट्रांसलेशन तो उन्हें कंडीशनल रिफ्लैक्स पावलोव ने रखा सी, लेकिन थॉमसन ने उसको कंडीशन रिफ्लैक्स करता सी, राइट आंसर इतने ये है। रिफ्लैक्सिव कंडीशनिंग या कंडीशन लर्निंग ए शब्द का उदे उलथे का जिक्र यदा कोई गल नहीं आ रही। नैक्सट है द बुक कंडीशन रिफ्लैक्स एंड साइकेट्री 1941, ये दस दिता गया है कि क्वेश्चन जो पूछा जाए तो कदों ये बुक लिखी गई, दूसरा कि ये बुक किहदे द्वारा लिखी गई ये पूछा जा सकता है, तीसरा हेठ लिखियां विचों पावलोव की कौन सी बुक है, तो इस सारिया दे जिहड़े नुकता है इसनों याद रखने का रिफ्लैक्स या कंडीशन रिफ्लैक्स याद रखो, ये पावलोव ना ही जुड़ता है। इस बुक च इनकलूड द एप्लीकेशन ऑफ पावलोव कंडीशनिंग वर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड विद, किताब कंडीशनड रिफ्लैक्स एंड साइकेट्री 1941 संबंधित समस्या डैश नाल संबंधित समस्यावां का हल करन दी लई पावलोव कंडीशनिंग दे कारज दी वरतों विच शामिल करता है, किसनों मतलब कि जो कंडीशन रिफ्लैक्स है उसने केड़ियाँ प्रॉब्लम सॉल्व करन दी गल उसने इस किताब विच कीती है, मेंटल इलनेस दी यस यही है, फिजियोलॉजिकल हेल्थ नोट फिजिकल नहीं मेंटल हेल्थ दी गल करिए, टीचिंग एंड लर्निंग बिल्कुल नहीं और रिसर्च इन लर्निंग बिल्कुल नहीं, मेंटल इलनेस। नैक्सट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज मोस्ट सूटेबल फॉर इवान पावलोव। इवान पावलोव लई केड़ा शब्द सब तो ढुकवा है? व्यक्तिगत विज्ञानी, उद्देश विज्ञानी। सो ट्रांसलेशन विच गड़बड़ मिल सकती है, इतने इंग्लिश चो ही तुहानू जवाब लभना पएगा। वो है सबजैक्टिव साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कदे भी सबजैक्टिव नहीं होंगे, व्यक्तिगत या व्यक्ति परक नहीं होंगे, सबजैक्टिविटी नहीं, ऑब्जैक्टिविटी हमेशा साइंस प्रेफर करती है। सो ऑब्जैक्टिव साइंटिस्ट ये थोड़ा टिक हो सकता है, लगा सकते हैं इतने। पर अगे है एक्सट्रीम ऑब्जैक्टिव साइंटिस्ट, बिल्कुल थॉर्नडाइक ते उना थॉर्नडाइक ते पावलोव जेडे उस वक्त उस समय विच काम कर रहे सन, यही उन्हां लई प्रॉब्लम सी कि वध तो वध अपनियां फीलिंग्स या अपने पर्सनैलिटी के प्रभाव तो इंटरवेनिंग वेरीएबल नूं हटा के किस तरह डाइजेशन प्रक्रिया नूं जां समझा जा सकता है। सो एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक्सट्रीम कंट्रोल कंडीशन च जांदे सी, दैट इज़ वाई एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि सबजैक्टिव शब्द इत्थे डिलीट हो रहा है, इत्थे डिलीट हो रहा है। एक्सट्रीम ए वाला राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, हू कंसिडर साइकोलॉजी एज ऑब्जेक्टिव साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान नूं बाहर मुखी विज्ञान किसने मनिया है? पावलोव ने, वाटसन ने, दोनों ने, बोथ पावलोव एंड वाटसन दे प्याजे ने। प्याजे नहीं, प्याजे क्वालिटेटिव रिसर्च सी, एक्सपैरिमेंटल ते ऑब्जेक्टिव विच पावलोव ते वाटसन दी ही गल हुंदी है। इत्थे राइट आंसर है दोहां ने। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, अकॉर्डिंग टू पावलोव साइकोलॉजी शुड बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर डैश। पावलोव के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तु निष्ठ विज्ञान होना चाहिए है जो व्यवहार का अध्ययन करता है, डैश विदाउट रेफरेंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस का जो एग्जाम्पल लैनी है, थिंकिंग, थिंकिंग तो बिना, विद रेफरेंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग के नाल, विद रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ना एक कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। विदाउट रेफरेंस टू अनकॉन्शियस माइंड, नहीं, रिफ्लैक्स अनकॉन्शियस माइंड से, इसलिए यस आ रहा है, आ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। लेकिन राइट आंसर जिहड़ा है, मानसिक प्रक्रिया दे हवाले तो बिना, मतलब थिंकिंग तो बिना। एक्चुअली देखो स्टिमुलस ते रिस्पोंस यही है ना, नूं वड्डा करके दसदा। देखो पावलोव दे अनुसार इत्थे स्टिमुलस ओके ए रिस्पोंस, बैल ते रिस्पोंस आ रहा है, इहदे विचकार की थिंकिंग नूं मनना है? इहदा आंसर है इहदे विचकार थिंकिंग, मतलब मेंटल प्रोसेसेस शामिल हन पावलोव दे अनुसार, वाटसन दे अनुसार नहीं। इस तो मेंटल प्रोसेस तो बिना बिहेवियर नूं समझिया जावे इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज साइकोलॉजिस्ट नॉट फिजियोलॉजिस्ट, इधर पढ़ लेना है, एक मनोविज्ञानी के तौर पर पावलोव के रूप में डैश सी, मनोविज्ञानी के रूप में पावलोव की सी, इत्थे थोड़ी गलती है, फंक्शनलिस्ट सी, स्ट्रक्चरलिस्ट सी, एसोसीएशनिस्ट सी, प्रैगमेटिस्ट सी। प्रैगमेटिस्ट नहीं हो सकता, एक कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है, बिहेवियरिज्म है, इसलिए प्रैगमेटिज्म को सब तो पहला डिलीट करांगे। सो बिहेवियरिज्म तो पहला फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिस्ट सी, एसोसीएशन क्योंकि पावलोव फूड दी एसोसीएशन साउंड ऑफ बैल नाल करके इहदी एसोसीएशन इहदे नाल करदे हन और रिस्पोंस कंडीशन रिस्पोंस पैदा करवाउंदे हन, ठीक है। सो दैट इज वाई एसोसीएशनिस्ट सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डैश का नतीजा सी, परपजफुल एक्सपैरिमेंट इन साइकोलॉजी, ध्यान नाल है हुण पढ़ना, कन्फ्यूजन ज्यादा होएगी। मनोविज्ञान विच उद्देशपूर्ण प्रयोग, देखो परपजफुल तो होएगा लेकिन मनोविज्ञान चो कर रहा सी कि एक्सीडेंशली फिजियोलॉजी कर रहा सी, है ना। परपजफुल एक्सपैरिमेंट इन फिजियोलॉजी, यस फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञानी सी, वह शरीर विज्ञानी का अध्ययन करते करते, वीडियो अलग तौर पर दिखाई गई हैं कि पावलोव फिजियोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजिस्ट किवें बनया, फिजियोलॉजिकल रिफ्लैक्स साइकिक रिफ्लैक्स विच किवें परिवर्तित होया, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो नीचे दिता गया देख सकते हो। सो परपजफुल भी है, ठीक है, एक्सपैरिमेंट भी है इन फिजियोलॉजी, राइट आंसर यह दिखाई दे रहा है, शरीर विज्ञान के विच दोषपूर्ण ये राइट आंसर है, देख लेने हैं। एक्सीडेंशियल एक्सपैरिमेंटल इन फिजियोलॉजी, देखो ये गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया, बिल्कुल परपजफुल नहीं रहा, एक्सीडेंशियल सी, वो वीडियो जी है वो एक्सीडेंशियल घटना की घटी
कि वो शरीर विज्ञानी तो मनोविज्ञानी उसको बनना पिया, थ्योरी पैदा हो गई। सो एक्सीडेंशियल नहीं छड़ना, जे कोई थ्योरी पूछी जाए एक्सीडेंशियल थ्योरी केड़ी है, एक तो है कि तुसी परपज उहदा सी कि लर्निंग नू उसने समझना है, उसका परपज लर्निंग नू समझना नहीं सी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नू समझना सी, लेकिन घटनाक्रम विच वो इधर फिजल गए। सो एक्सीडेंशियल भी ठीक है, फिजियोलॉजी भी ठीक है, ये राइट आंसर सी है। सी है शरीर विज्ञान विच अचानक प्रयोग, एक्सीडेंशियल एक्सपैरिमेंटल इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो फिसल के आए से ना, ना पहले शुरुआत विच फिजियोलॉजी विच सी, औखा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पावलोव दी सीरीज़ विच हर वीडियो दे नाल एमसीक्यू सेट है, जो लगभग हर तरह दे कॉम्पिटेटिव एग्जाम लई थोड़ा मसला हल कर सकते हैं। किसी तरह का सुजैशन फीडबैक, खास करके नैगेटिव फीडबैक हो जरूर देना। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।